ओम शांति। शिव जयंती की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हो, मुबारकें हो। आज शिव जयंती का पावन पर्व सारे भारत में हर कोई बड़े धूमधाम से मनाते हैं, परंतु वास्तव में वो शिव परमात्मा कौन है जिसकी इतनी धूमधाम से हम जयंती मनाते हैं और खुशियों में आ जाते हैं? क्योंकि अक्सर मनुष्य शिव और शंकर के बीच में यही समझ लेते हैं कि शिव शंकर एक ही है, और इसीलिए शिव शंकर भोलेनाथ समझते हुए शंकर की भी शिवरात्रि के रूप में पूजा करके मनाते हैं। वास्तव में आज इस महान अंतर को हमें समझना है कि परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को कहा जाता है। जिस तरह मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, पक्षियों का पिता पक्षी होते हैं, पशुओं का पिता पशु होता है, ठीक इसी तरह आत्माओं का पिता भी परम आत्मा है। आत्माएं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज है, तो आत्माओं का पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज है, जिसके यादगार में हमने शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग को कहा ही जाता है ज्योतिर्लिंगम। ज्योतिर्लिंगम अर्थात जो ज्योति की आकृति है, अर्थात परमात्मा ज्योति स्वरूप। तो उस ज्योति स्वरूप का प्रतीक किस रूप में हम स्थापित करें, इसलिए पौराणिक काल में ये लिंग अर्थात आकार दे दिया जिस पर मनुष्य अपनी भावनाओं को अर्पित कर सके। इसलिए शिव माना ही जो सदा कल्याण करने वाला है। कोई भी बिजनेसमैन होता है तो कहेंगे लगाओ शिव, अर्थात बिंदी लगाओ। तो क्योंकि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, उसी का यादगार है, तो सारे देवी देवताएं भी उस शिव परमात्मा की आराधना करते हैं। भारत के अंदर दिखाया है कि गोपेश्वर मंदिर में या श्री कृष्ण का भी आराध्य देव शिव था। रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, और इसी तरह शंकर परिवार को अगर देखा जाए तो सभी मिल करके शिव की पूजा करते हैं। शंकर को भी हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया है, और कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर बैठकर उन्होंने ध्यान किया। किसका ध्यान किया? कैलाश का, अर्थात शिव का ध्यान करके उन्होंने शिव से शक्ति प्राप्त की। शंकर को शक्ति की क्या आवश्यकता थी? तो कहा जाता है कि शंकर को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खुलते ही महाविनाश होना चाहिए। इसीलिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा द्वारा परमात्मा नई सृष्टि की सृजना का कार्य करते हैं या कराते हैं, विष्णु द्वारा उस नई सृष्टि की पालना का कार्य कराते हैं, और शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का महाविनाश का कार्य कराते हैं। गीता में तभी कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात जब जब इस संसार में अधर्म अति वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा के प्रति मनुष्य का हृदय ग्लानि से भर जाता है, ऐसे समय पर परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा का अवतरण का ही यादगार हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, और वो प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से नई सृष्टि को रचने का कार्य कराते हैं।
क्योंकि परमात्मा स्वयं अकर्ता अभोक्ता है, जन्म मरण से न्यारा है, इसीलिए वो अवतरित होकर के अपना दिव्य कार्य कराने के लिए ये तीन मूर्तियों की रचना करते हैं। तो शंकर के द्वारा महाविनाश का कार्य कराने वाला कौन? परमात्मा। तो जरूर है, आंख खोलते अगर विनाश करना हो तो कितनी शक्ति होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने इतने साल कैलाश पर्वत पर शिव का ध्यान करते हुए उस शक्ति को अपने में समाया, ताकि कलयुग के अंतिम समय, घोर अधर्म के समय पर जब उन्हें महाविनाश का कार्य करना है तो आंख खोलते ही उस प्रचंड शक्ति से वह सृष्टि के अंदर महान परिवर्तन ला सके। तो इसीलिए शंकर ने भी जिसका ध्यान किया या जिसकी पूजा की माँ पार्वती के साथ, और गणेश और कार्तिक के सारा परिवार मिलकर के शिव की पूजा करते हैं। ये तो हुई भारत की बात, लेकिन सर्व धर्म में भी उस परमात्मा की ही दिव्य मान्यता है। कहा जाता है कि भारत से बाहर जाएं तो इस्लाम धर्म में काबा के पवित्र पत्थर की बंदकी की जाती है, और इस्लाम धर्म के लोग जब मक्का जाते हैं तो वहां अपनी बंदगी में ये जरूर कहते हैं कि हे नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। भगवान को जब संबोधित किया नूरे इलाही, नूरे इलाही का मतलब है कि अल्लाह नूर है, अर्थात प्रकाश है, तेज है, जिसको हमने ज्योति कहा उन्होंने नूर कहा। और आगे जाए, जीसस क्राइस्ट ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, जिसको भारतवासियों ने ज्योति पुंज या ज्योतिर्लिंगम कहा, इस्लाम धर्म में जिसको नूर कहा, क्रिश्चियन धर्म में उसको लाइट कहा। तो बात तो एक ही हो जाती। गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, एक ओमकार निराकार निर्वैर सत्य नाम अकाल मूरत अजोनी, कितनी सुंदर तरीके से सारी महिमा गाई है। और इसीलिए दिखाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा का गायन किया था। और आगे जाए तो कहा जाता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, लेकिन सभी ध्यान मुद्रा में हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? तो कहा जाता सिद्ध शिलापति का, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ निराकार है उसका ध्यान कर रहे हैं। और आगे जाए तो दिखाते हैं कि महात्मा बुद्ध भी ध्यान मुद्रा में है। आज भी जापान चले जाओ तो कहा जाता है या यादगार है कि 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको वो कहते करने का पवित्र पत्थर, जिसको उन्होंने कहा चिंकुन शेकी। चिंकुन शेकी का मतलब है जो शांति का दाता है। उस पर ध्यान करके अपने मन को शांत करते हैं। और आगे जाए, पारसी धर्म में कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके अग्यारी या मंदिर जिसको कहते हैं, वहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है, जो अखंड ज्योति स्वरूप है, जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा या मालिक कहा। साईं बाबा ने भी यही कहा, सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो, उसने भी इशारा यही किया, सबका मालिक एक है। तो सभी धर्म में एक के ही निराकार स्वरूप में मान्यता है,
जिसको हम भारतवासी बड़े प्यार से शिव कहते हैं, और वो जब इस संसार में अवतरित होते हैं अधर्म के समय पर, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। तो अधर्म बढ़ने का कारण क्या था? तो यही कहेंगे, अधर्म का बढ़ने का कारण है अज्ञान। जब सारे संसार के अंदर अज्ञानता का अंधकार फैल जाता, जिसको ही श्रीमद् भगवद गीता में कहा ब्रह्मा की रात्रि, तब उस रात्रि को आकर के नष्ट करते हैं। तो शिवरात्रि त्योहार ये कोई 24 घंटे की दिन और रात की बात नहीं है, लेकिन जब सारे संसार में अज्ञानता की रात्रि फैल जाती है, जो अधर्म का मूल कारण है, जब मनुष्य अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं, परमात्मा की वास्तविकता को भूल जाते हैं, तभी तो उनका हृदय ग्लानी से भर जाता है। और ईश्वर को सही न पहचानने के कारण ही सर्वव्यापी कह दिया। कहाँ कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, न नाम है, न रूप है, न आकार है, तो कहाँ कह देते वो सर्वव्यापी है, सब में है। अरे परम पिता परमात्मा कहते हैं, वो हमारा परम पिता है, तो सर्वव्यापी हो तो फिर तो सारे ही पिता हो गए। तो कौन अवतरित होगा और कौन इस अधर्म का नाश करेगा? कहने का भावार्थ यही है, जब गीता में भी कहा कि मैं अवतरित होता हूं और एक साधारण तन का आधार लेता हूं, जिसको मूढ़मति मनुष्य पहचान नहीं सकते, कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करता है। तो जरूर है इस कलयुगी अंत में जब इतना अधर्म चारों ओर बढ़ गया, भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ जाता है, तो ऐसे समय पर ही परमात्मा इस संसार में अवतरित होकर के सभी मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, और पावन बना करके सबको घर ले चलते हैं, अर्थात निर्वाण धाम में ले चलते हैं। फिर उस संसार का परिवर्तन होता है, और महान परिवर्तन होते हुए संसार में पुनः सतयुगी दुनिया कहो या स्वर्ग कहो, वैकुंठ की स्थापना होती है, जिसको किसी ने बहिष्ट कहा, एटलांटिस कहा, पैराडाइज कहा। वो स्थापना होने के बाद वो आत्माएं पुनः उस निर्वाण धाम से इस संसार में अवतरित होती है, और इस तरह से ये चक्र फिरता है। तो शिवरात्रि या शिव जयंती हम सभी के पिता परमात्मा के अवतरण की, जन्मदिन की यादगार पर्व है। जन्मदिन अर्थात कोई स्थूल में माँ के गर्भ से प्रवेश होकर के जन्म धारण नहीं करते, परंतु एक साधारण नर स्वरूप में अवतरित होकर के ज्ञान का उदय हर एक दिल में करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान सूर्य प्रत्या तो अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा शिव आकर के वो ज्ञान सूर्य है, वो जब प्रकट होते हैं तो मनुष्य आत्मा में जो अज्ञानता का अंधकार है उसको नष्ट कर देते हैं। साथ ही साथ शिवरात्रि पर विशेष मनुष्य आत्माएं सारी रात जागरण करती है, शिव परमात्मा की भक्ति करते हैं, सोचते हैं कि शिव की भक्ति करने से हम तर जाएंगे, संसार सागर को पार कर जाएंगे, अर्थात ये कलयुगी विषय वैतरणी नदी जो है उसे पार हो जाना है। तो अज्ञानता की रात्रि में ये जागरण करना है, अर्थात आत्मिक ज्योत को जगाना है, और उसमें ज्ञान का द्रित डालते जाना है। ज्ञान का दृढ़ डालने से ये आत्मा की ज्योति कभी बुझेगी नहीं, और सच्चे अर्थ में हम उस शिव पिता के ऊपर बलिहार जाएंगे। लोग इस दिन पर विशेष बलि चढ़ाते हैं,
वास्तव में बलि चढ़ानी है तो अहंकार की बलि चढ़ानी है, मैं की बलि चढ़ानी है। जब मैं की बलि मनुष्य नहीं चढ़ा सका तो उन्होंने बेजुबान बकरी की बलि चढ़ा दी जो मैं करती रहती है। तो वास्तव में आज शिवरात्रि के दिन हमें सच्चे अर्थ में अपने अहंकार की बलि चढ़ानी है। जब अहंकार की बलि चढ़ जाती है तो नेचुरल है कि हमारा जीवन निर्मल पवित्र पावन हो जाता है। साथ ही इस दिन पर कहा जाता है कि लोग भांग पीते हैं अर्थात नशा करते हैं। वास्तव में नशा खुशी का है, उमंग उत्साह का है। जब व्यक्ति खुशी में आता है तो खुशी जैसी खुराक नहीं, और खुशी में जब आता है तो हर प्रकार का गम उदासी निराशा दूर हो जाती है। तो इसी तरह परमात्मा प्राप्ति की खुशी जब हमारे जीवन में आ जाती है तो एक ये रूहानी नशा है, ये नारायणी नशा है, जिस खुशी के नशे में आकर के हम जीवन के सारे दुख दर्द गम उदासी निराशा को भूल करके अपने जीवन के अंदर सदा उमंग उत्साह का अनुभव करते हैं। तो आइए आज के दिन सही अर्थ में शिवरात्रि मनाएं और परमात्मा शिव का ध्यान करें। जितना हम परमात्मा शिव का ध्यान करते हैं, मन को उस दिव्य स्वरूप प्रकाश पुंज परमात्मा में एकाग्र करने के लिए स्वयं को भी आत्मनिश्चय करते हैं, तब हमारा ध्यान यथार्थ होता है। देह अभिमान में अगर व्यक्ति है तो वो ईश्वर में अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर सकता है, क्योंकि देह भान में होने कारण देह की दुनिया देह के व्यक्ति याद आते हैं। इसीलिए ध्यान की यथार्थ विधि है स्वयं को आत्मनिश्चय करना कि इस शरीर में मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, ज्योति पुंज हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, और ऐसे प्रकाश पुंज स्वयं को देखते हुए उस निराकार प्रकाश पुंज अनंत प्रकाशमान परमात्मा में अपने ध्यान को एकाग्र करें तो परमात्मा की सर्व शक्तियां स्वतः हम स्वयं के अंदर समाते जाएंगे और आत्मा धीरे धीरे सशक्त बनती जाएंगी। ओम शांति।